हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विस्टम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टडी प्लेटफॉर्म पे। यूपी पीसीएस आरओएआरओ की परीक्षा 22 दिसंबर को निर्धारित है और उसी क्रम में एक मेन जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी का, जिसका 60 नंबर का कंट्रीब्यूशन रहता है प्री के एग्ज़ाम में, उस प्री के एग्ज़ाम के लिए हिंदी सेक्शन की तैयारी हम इन क्लासेस के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें आपका पर्यायवाची का सेक्शन का आज चौथा क्लास है। देखिए, आपको इसमें पेन पेपर लेके बैठना है और जितने भी आपको पर्यायवाची अब तक याद किए हैं उनको साथ में अपना टेस्ट करते हुए भी चलना है। लाइव टेस्ट के माध्यम से आपको एक तरह से मिलेगा कि हमने कहाँ तक स्टडी कर ली है और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो हमारे छूट रहे हैं, तो उन क्लासेस के थ्रू वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। स्पेशल बात इन क्लासेस की ये है कि अगर कोई भी सिलेबस में आप अगर लेवल वन में आपकी चीज़ें छूटी हैं तो लेवल टू में आप आकर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है कोयल। तो चलिए बताइए मुझे कोयल के कितने कितने पर्यायवाची आप सभी ने याद कर रखे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। कोयल का एक शब्द होता है कोकिल। कोकिल भी कोयल से मिलता ही हुआ शब्द है, तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है कि कोकिल शब्द आपको विकल्प में दिया हो, लेकिन पिक हो सकता है ज़रूर दिया हो। पिक शब्द जो है वो आपका कोयल का पर्यायवाची है, ठीक है, पिक है। और क्या है, एक शब्द होता है श्यामा। श्यामा भी कोकिल का पर्यायवाची होता है, ठीक। एक शब्द और रहता है मदन शलाका। मदन शलाका, चलिए मुझे बताइए मदन किसका पर्यायवाची है। मैंने इससे पहले क्लास में पढ़ाया है आप सभी को, तो मदन किसका पर्यायवाची है ज़रूर बताइएगा। कलघोष, कलघोष भी किसका पर्यायवाची है, कोयल का। एक और पर्यायवाची रहता है कोयल का, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप कीजिए। कोयल कूकती है बसंत के आने का पैगाम देती है, या कहते हैं बसंत आगमन के लिए बसंत दूत की तरह काम करती है, तो उसको बसंत दूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बसंत दूत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके कोयल के पर्यायवाची हैं, आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। पिक हो गया, श्यामा हो गया, कोकिल है, मदन शलाका है, कल घोष है और बसंत दूत है, ठीक है। अगला देखिए कृष्ण। कृष्ण के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बहुत सारे पर्यायवाची आप सभी को याद भी होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण है, दामोदर है, श्याम है, ठीक है, तो बहुत सारे आपको पर्यायवाची याद होंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है, और आपको कितने आते हैं वो ज़रूर आप अपनी कॉपी पेन से लिखिए कितने आपको पता है, ठीक है। तो चलिए दामोदर से शुरुआत करते हैं। दामोदर हो गया और मोहन, गोविंद भी तो शब्द है, गोविंद भी आपको पता होगा, ठीक है। माधव, माधव है, और बताइए गिरिधर। पर्वत को एक उंगली पे उठा लिया तो गिरिधर। एक और शब्द है बनवारी, ठीक है, बनवारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्री कृष्ण का ही जो है पर्यायवाची है, ओके। तो चलिए आगे बताइए और कौन कौन से हैं, लिखते चलिएगा साथ साथ में। माधव हो गया, गिरिधर हो गया, बनवारी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए। हृषिकेश, हृषिकेश पर्यायवाची जो है ये भी श्री कृष्ण का है। मुकुंद, मुकुंद भी किसका है, श्री कृष्ण का। ब्रजबल्लभ, ब्रजबल्लभ भी श्री कृष्ण का है। और एक और बता दीजिए ताकि ये पूरा हो जाए। क्षीरसाई, क्या है, क्षीरसाई, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं कृष्ण के, ठीक है। आपको भी बहुत सारे पता होंगे, तो जो आपको पता होंगे हो सकता है वो एग्जांपल में ना आए, वो आपको विकल्प में ना दिए गए हों, कुछ ऐसे जो मिलते जुलते नहीं होते हैं वो आपको ज़रूर दिए जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कंचन। कंचन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग सोना होता है, मतलब गोल्ड, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, सोना का एक स्वर्ण भी तो होगा, ठीक है, और सोने के जैसा एक और रहता है कनक, ठीक है। तो कंचन के लिए सोना, स्वर्ण, कनक, इतना काफ़ी है, ठीक है, तो ये तीन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए खग। खग के लिए क्या रहेगा, खग का मीनिंग है जो आसमान में उड़ता हो, ठीक है, जो आसमान में एक लिविंग चीज़ जो है, एक लिविंग और लिविंग कोई भी एनिमल है जो आसमान में उड़ता है उसको खग कहते हैं एक तरीके से।
तो इसके लिए प्रॉपर इसका जो अर्थ है वो है पक्षी। तो पक्षी के जो जो पर्यायवाची होंगे वो आपको यहाँ खग में मिल जाएंगे, जैसे विहग और विहग के साथ साथ दृज, और क्या हो सकता है, शकुनी, शकुनी भी होगा, और पखेरु जो आसमान में उड़ जाए उसे पखेरु कहते हैं। ठीक है, तो पक्षी, विहग, दृज, शकुनी और पखेरु, ये किसके पर्यायवाची होंगे, ये खग के पर्यायवाची है। उम्मीद है आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा। आप देखिए इन क्लासेस के थ्रू आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, आप पेन पेपर लेके ज़रूर बैठिए और ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए, भले चाहे आप 2 शब्द लिख पाएँ। अब गणेश के आप सोचिए अपने मन में क्या क्या हो सकते हैं। एक तो उनका सर जो है वो किसका लगा है, हाथी का लगा है, तो गजानन कह सकते हैं। गजानन नहीं हो सकता क्या? गजानन बिल्कुल होगा, गजानन, ठीक, गजानन हो गया। चलो ठीक, और बताओ, पेट देखा है अपने, पेट, पेट काफी लंबा रहता है उनका, गणेश जी का पेट लंबा रहता है, तो क्या रहेगा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर किसका पर्यायवाची होगा, गणेश का। ठीक है, चलिए एक उनकी माता से रिलेटेड, तो उनकी माता का नाम क्या है, गौरी, तो गौरी सुत, गौरी सुत बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, गौरी सुत बन गया। ठीक, चलिए और बताइए, और बताइए, और बताइए, विघ्न विनायक सुना होगा ना, तो विनायक भी तो पर्यायवाची है, विनायक पर्यायवाची है। ठीक है, तो ध्यान रखिए विघ्न विनायक होगा। ठीक, और कौन से पर्यायवाची हैं, एक शब्द है हेरम्ब, हेरम्ब, ये भी किसका पर्यायवाची है, ये भी गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्यायवाची हैं गणेश जी के वो मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे आपको ही पता होंगे, आई नो वेरी वेल कि आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। चलिए और बताइए, गंगा, गंगा के बहुत पर्यायवाची पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवताओं की नदी होने के कारण इसको सुरसरी भी कहते हैं, और क्या कह देंगे, कॉमन सा शब्द है, देवसरी, सुरसरी हो या देवसरी हो, सुर का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है, देवता। ठीक है, देव नदी भी बोल सकते हैं, नदियों में ईश्वर है सबसे ज्यादा मान्यता है, तो नदीश्वरी भी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, नदीश्वरी। 3 रास्तों से आने के कारण त्रिपथगा भी तो होगा, त्रिपथगा। ठीक है, और क्या क्या कहा जाता है, देवापगा भी कह सकते हैं, अलकनंदा, अलकनंदा भी कहा जाता है। एक और सबसे अच्छा है, गंगा जी के साथ एक नाम जुड़ा रहता है बहुत ही, इनकी धरती पे आगमन को लेकर एक राजा हुआ करते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए उनके नाम पर ही इनका एक पर्यायवाची बना है, क्या है, भगीरथी। क्लियर है, भगीरथी और जाह्नवी, ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या है, और क्या, एक और बता दी, चलिए लास्ट। ठीक है, क्या मंदाकिनी नहीं कहेंगे, मंदाकिनी भी पर्यायवाची है, किसका, गंगा का, तो मंदाकिनी पर्यायवाची है किसका, गंगा का। सुरसरी, देवसरी, भगीरथी, त्रिपथगा, ठीक है, नदीश्वरी, जानवरी, मंदाकिनी, ठीक, देवापगा, त्रिपथगा, ये सब क्या है, ये सब किसके नाम है, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। क्लियर है, आगे आइए, गरुण, गरुण, गरुण किसका है, सबसे पहले तो समझ लीजिए भगवान श्री विष्णु जी का वाहन है गरुण, और बुद्धिमान सबसे ज़्यादा है, और सांपों को नष्ट कर देता है, मतलब खा लेता है उनको, काट काट के अलग कर देता है। ठीक है, बताइए क्या क्या खूबियाँ हो गई हैं, पहला तो नागांतक, सांपों का अंत करने के कारण नागांतक, खगेश, आसमान में विचरण करने के कारण खगेश, ठीक है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है गरुण, ठीक है, तो इसलिए खगेश। आगे देखिए पन्नगारी, और पन्नगारी के साथ साथ उर्गारी, उर्गारी भी पर्यायवाची होगा। ठीक है, हरि का वाहन होने के कारण इसको हरियान भी कहेंगे, क्या कहेंगे, हरियान। ठीक है, एक और बता दीजिए, चलिए
पन्नगारी, उर्गारी, ये तो सेम सेम हो जाएंगे। एक और बता दीजिए। वातनय, क्या होगा? वातनय, ठीक है। तो गरुड़ के नागांतक हो गए, खगेश हो गया, पन्नगारी हो गया, हरियान हो गया, उर्गारी हो गया और वातनय हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला है आठवां, गज। गज क्या है? ये गज यहाँ पे जमीन वाला गज नहीं है, यहाँ पे गज का मतलब है हाथी, ठीक है। गज का मतलब क्या है? हाथी। तो हाथी को हस्ती भी कहते हैं और करी भी कहते हैं। हस्ती हो गया, करी हो गया, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं बताइए। एक शब्द है कुंभी। कुंभी पर्यायवाची है किसका? हाथी का। मतंग भी बोला जाता है, मतंग, ठीक है। और बताइए, हस्ती हो गया, करी हो गया, कुंभी हो गया, मतंग हो गया। मुझे पता है आपके मन में एक शब्द और आ रहा होगा, वो है कुंजर। कुंजर शब्द पर्यायवाची है। हाँ, किसी के दिमाग में तो ये बात आई थी जो मुझ तक पहुंची। कुंजर शब्द जो है वो गज का पर्यायवाची है, ठीक है। और क्या है? एक और आ रहा है कि कहीं वाह वाह का साउंड आ रहा है, वितुंड। किसी ने अपने मन में वितुंड सोचा है, और वितुंड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाथी के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये हाथी के पर्यायवाची होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। आप सभी के मन से ही मेरे तक बात पहुंच रही है। चलिए एक और, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है लोगों को गधा बोला जाता है, और गधे को ये बात पता भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत पॉपुलर शब्द आता है जो बहुत पूछा जाता है, विकल्प में दिया होता है, उसे कहते हैं वैशाख नंदन। वैशाख नंदन। और बताइए, किसी ने बोला रासब। रासब भी है, बिल्कुल। चक्रीवान बोला किसी ने, चक्रीवान भी है। वैशाख नंदन है, रासब हो गया, चक्रीवान हो गया, और बताइए। अच्छा, खर खर खर, बिल्कुल बिल्कुल, खर है इसका पर्यायवाची, डेफिनेटली खर होगा। वैशाख नंदन, रासब, चक्रीवान, खर और बेसर। बेसर एक शब्द जो है वो गधे के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इतना काफ़ी हो गया, पांच शब्दों मिल गए, बहुत मिल गए हमको, पांच शब्दों से बाहर नहीं जाएगा। और एक बचा है आज की क्लास का अंतिम शब्द है चंद्रमा। हाँ, बिल्कुल, आप सभी को पता है, और चंद्रमा बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपके मन में बहुत सारे शब्द आ रहे होंगे। कोई बोल रहा है हिमांशु, बिल्कुल। कोई बोल रहा है मयंक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशु भी है, मयंक भी है। और बताइए। अच्छा, ओ के शशि, ठीक है। अच्छा, ठीक, राकापति भी है, बिल्कुल, राकापति इसका है। कला निधि, वाओ, कितना अच्छे से आप सबको पता है चीज़ें। कला निधि भी है, तो हिमांशु हो गया, मयंक हो गया, शशि हो गया, राकापति हो गया और कला निधि हो गया। इसके अलावा भी हैं अभी? हाँ बिल्कुल, और भी हैं। और बताइए, और सोचिए। हिमांशु, मयंक, शशि, राकापति, कला निधि, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा बताइए, चंद्रमा की बहुत सारी कलाएं होती, मतलब कि कलाएं इन द सेंस कि वो छोटे से बड़ा होता है, बल्ले से छोटा होता है, तो उन कलाओं के कारण उसको कला निधि या राकापति भी कहते हैं। एक और शब्द है सुधाकर, ठीक है। और राकेश भी बना है, राकापति से राकेश, ठीक है। और क्या है? एक शब्द है विधु। विधु भी चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है। और सुधांशु, सुधांशु भी है। तो क्या क्या हो गए हमारे पास? कई सारे हमने पढ़े, मयंक पढ़ा, हिमांशु पढ़ा, राकापति, कला निधि, ठीक है। एक शब्द और देख लीजिए, शशांक। शशांक भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। शशांक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है, ठीक है। ओके, तो इतने सारे शब्द हो गए, और काफ़ी सारे हमने चंद्रमा के कर लिए। एक दो और अगर बचे होंगे तो आपको, हमें पता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीज़ें आपने याद कर रखी हैं, तो कुछ चीज़ें आप जो है बढ़िया से स्टोर करिए, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें
बनी रहे। तो यहाँ पर हमने 10 से 11 चंद्रमा के पर्यायवाची देखे, इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जो विजडम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम से है, जहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च बार में इसको टाइप कीजिए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और सारे PDF और अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले अच्छे क्लास बनाने का, ताकि आप तक हम अच्छा कन्फाइंड डाटा पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।